सुबह उठना आपके जिंदगी के सबसे अच्छी आदतों में से एक है। सुबह उठने का सबसे आसान तरीका आपको अभी पता चलेगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम अंत तक जरूर देखना, क्योंकि दुनिया के सभी सफल लोग सुबह जल्दी उठते हैं। और अगर सफल लोग जल्दी उठते हैं तो इसका उल्टा भी सही होना चाहिए कि अगर आप सुबह उठोगे तो आप सफल बनोगे। क्या आपको ये पता है कि सुबह सुबह आपकी दिमाग की इफिशियंसी यानी दिमाग सबसे तेज काम करता है। तो कोई ऐसा काम जिसमें आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़े उसके लिए सुबह का टाइम सबसे अच्छा होता है। टेक्सास यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई थी और दो ग्रुप्स की मार्क्स की तुलना की गई थी। एक ग्रुप जो सुबह 5 बजे उठते थे और दूसरी ग्रुप जो सुबह 9 बजे उठती थी। और रिसर्च के अंत में ये पता चला कि जो लोग सुबह जल्दी उठते थे उन लोगों की मार्क्स ज्यादा आती थी। सुबह जल्दी उठने से आपकी प्रोडक्टिविटी यानी रचनात्मक शक्ति बढ़ती है और आपके दिमाग को तेज बनाती है। आपकी दिमागी हेल्थ बूस्ट हो जाती है और जल्दी उठने से आपको कुछ और घंटे दिन में फ्री में मिल जाती है। सुबह उठने के अनगिनत फायदे हैं, तब भी आप सुबह क्यों नहीं उठते हो? लेट्स बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से अगर फैक्ट बोलूं तो वो ये है कि आप चाहे कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, सुबह सुबह आप उठोगे ही नहीं। उस समय सोने में इतना अच्छा लगता है कि आपको लगता है कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए तब भी मैं नहीं उठूंगा। आपको सुबह उठने का मन इसलिए नहीं करता क्योंकि आपको पता है कि पूरी जान लगा के अगर आप सुबह उठ भी जाते हो तब भी आपको वापस नींद आएगी ही आएगी। तो साफ साफ बात है कि आप सुबह इसलिए नहीं उठ पाते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई और आपको और सोने की जरूरत है। नहीं तो अगर सुबह उठने के बाद अगर आपको और ताज़ा फील होता तब आप आराम से उठ जाते, आप चाह के भी सो नहीं पाते। तो सुबह सुबह फ्रेश महसूस करने के लिए आपको जरूरत है एक अच्छी नींद। अच्छी नींद पाने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आपको एक दिन में कितने घंटे सोना चाहिए ताकि सुबह उठ के आपको कमजोरी महसूस न हो। ऐसे तो कहा जाता है कि आपको 8 घंटे सोना चाहिए, पर असल में इसका कोई फिक्स्ड उत्तर नहीं। आपने ये देखा होगा कि कभी कभी आप थोड़ी सी ही सोते हो तब भी आपको उठ के अच्छा महसूस होता है और कभी कभी 10 घंटे सो जाते हो तब भी अनकंफर्टेबलनेस वाली फीलिंग आती है। इसका मतलब ये कि आपको ज्यादा सोने की जरूरत है ही नहीं, बस अच्छी नींद की जरूरत है। अच्छी नींद मिलेगी तो आप कम भी सोओगे और सुबह जल्दी भी उठोगे तब भी आपको ताज़ा महसूस होगा और सोने का मन ही नहीं करेगा। कितना अच्छा हो अगर मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बता दूं जिससे आपको इतनी अच्छी और इतनी गहरी नींद आए कि अगर आप बस 4 घंटे भी सो ना तब भी आपको ऐसा लगे कि आप 8 घंटे सोए हो। तो यही ट्रिक आज मैं अपने YouTube के परिवार को बता रहा हूँ। रात को जब आप सोते हो तब आप ये देखोगे कि आपका दिमाग इधर उधर सोचना शुरू करता है। आपके दिमाग की सोच को देखा जाए तो आप दो टाइप में सोचते हो। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो के असल में दो पार्ट्स हैं। एक है वीडियो जो आपके स्क्रीन पे चल रही है और दूसरी है ऑडियो जो आप सुन रहे हो। तो बिल्कुल इसी तरह आपके दिमाग में जो विचार चलती है वो भी दो चीजें हैं। पहली चीज, आप सोने के लिए अपने आँखों को बंद करते हो तो आप ये नोटिस करना कि आपका दिमाग पिक्चर्स को दिखाता है, फोटो या वीडियो जैसी ख्याल आती है। दिन भर आपने जो भी देखा उससे जुड़ी ख्याल या फिर ऐसे ही कुछ भी आ जाती है वीडियोस या पिक्चर के रूप में। और दूसरा पार्ट है ऑडियो, मतलब दिमाग में एक चैटर, हमेशा एक आवाज बोलती रहती है, इसे मेंटल चैटर कहते हैं। मेन बात और आपके काम की फैक्ट ये है कि सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली चीज जिसके चलते आपको नींद नहीं आती है वो असल में दिमाग की घुसर फुसर यानी ऑडियो ही होती है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आंखें बंद करने के बाद आपके दिमाग में जो इमेजेस आती है और आवाज आती है उसमें ये आवाज ही वो चीज है जिसके चलते आपको गहरी नींद नहीं आती। जो इमेजेस दिखती है उसको तो चलने दो, पर आवाज ऐसा होता है कि वो दिमाग को भारी कर देता है और इसलिए आपको नींद भी नहीं आती है। तो आपको उसी आवाज को शांत करना है। शायद आपको ये सुनने में अजीब लगे, पर अगर आप अपने दिमाग के अंदर की चपर चपर को बंद कर दोगे तब आपको आंखें बंद करने के बस 10 मिनट के अंदर ही नींद आ जाएगी और आप एक ऐसी नींद का मजा उठाओगे जिसमें आपका दिमाग हर एक सेकंड एकदम गहरी नींद में रहेगा। और इसी के चलते अगर आप 12 बजे भी सो और सुबह 4 बजे भी उठो तब भी आपको ताज़ा फील होगा। और 4 बजे जब अलार्म बजेगा तब आपको डिजी फील ही नहीं होगा, मतलब आपको ये लगेगा कि क्या नींद थी यार, ऐसा लग रहा है कि अब मेरी नींद पूरी हो गई है। और आपकी ऊर्जा इतनी बढ़ी हुई होगी कि आपको सोने का मन ही नहीं करेगा। ये इसलिए क्योंकि जब आपके दिमाग में वो आवाज चलती रहती है तब आपके दिमाग की ग्राफ ऐसी होती है, बहुत एक्टिव। और जब आप आवाज को चुप कर देते हो तब आपके दिमाग की ग्राफ ऐसी होती है, एकदम काम।
रिलैक्स्ड स्टेट में आपको अपने आप ही नींद आ जाती है और वो नींद ज्यादा इफिशियंट होती है, मतलब 5 घंटे की नींद 10 घंटे के बराबर होती है। आपने इन ट्रिक्स को जरूर सुना होगा कि अपने अलार्म क्लॉक को अपने से दूर रखो कि जब सुबह में वो बजे तो आपका हाथ पहुँचे ही ना और आप जल्दी उठ जाओ। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये फालतू ट्रिक है, हाँ किसी किसी के लिए ये काम करती है, पर ज्यादातर लोग तो सोने के इतने शौकीन होते हैं कि वो अलार्म को बंद करके फिर से सो जाते हैं। सुबह सुबह नींद के बदले और कुछ दिखता ही नहीं है। इसका मतलब आप कुछ भी कर लो, एक वजह तय करो कि सुबह उठ के आपको ये करना है वो करना है। आप अपने आप को कितना भी मोटिवेट कर लो पर सुबह उठते ही आप माया जाल में फंस जाते हो और वापस सो जाते हो। तो किसी ड्रामेटिक तरीके के बदले आपको एक साइंटिफिक तरीका अपनाना होगा। तो इसका एकमात्र वैज्ञानिक तरीका वही है, आवाज को शांत करने वाला। आप उस ट्रिक की मदद से गहरी नींद में सोओगे तो इससे जड़ ही खत्म हो जाएगी। जड़ यही है ना कि आपकी नींद पूरी नहीं होती, इसलिए आपको कमजोरी लगती है और आपको और सोने का मन करता है। पर आवाज शांत करके सोओगे तब गहरी नींद के बाद जब आप उठोगे तब आप और ताज़ा फील करोगे और आपको नींद आएगी ही नहीं, आप चाह के भी सो नहीं पाओगे क्योंकि आपकी नींद 100% पूरी हो चुकी होगी, वो भी कुछ ही घंटे में। और एक फैक्ट ये है कि सुबह उठने के बाद आपको कम से कम 2 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए, इससे आपकी फ्रेशनेस और भी बढ़ जाएगी और आप हर काम को अच्छे से